एक और भयंकर गर्मी और फिर धनबाद में जल की विकट समस्या, इन सबके बीच दूसरी ओर पेयजल स्वच्छता विभाग की लापरवाही से रोजाना लाखों लीटर पानी की बिक्री कर दी जा रही है, यानी कि जनता के हक पर हक मारी। आपको बता दें कि जीटी रोड नैरो मोड़ के पास बगसुमा निवासी फनी मंडल पिछले कई सालों से सप्लाई पानी से पाइप चोरी कर गाड़ियों की धुलाई और टैंकर से पानी को बेचकर हर महीने लाखों रुपए की उगाही कर रहा है। अब सबसे अजीब बात यह है कि मुखिया शांतिराम रजवार और गोविंदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार तमाम लोगों को जानकारी दी गई है, पर जिम्मेदार कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। कौन आपको दिया? हम लोग रिपोर्टर है, बोलिए ना। रिपोर्टर फ्रेश रिपोर्टर। आपको कौन आदेश दिया है? नहीं तो सरकारी चीज है, आप उसको निजी जो है कि आप उसको जो है कि अपना धंधा बनाए हुए हैं, ठीक है। किसके आदेश पे आपकी है? आप नहीं जो है इस पाइप से उसका जो है कनेक्शन आ गया तो कनेक्शन नहीं है। नहीं आप बोलिए ना, कनेक्शन है ही नहीं है। अगर आ गया तो बोल रहे देखिए। नहीं नहीं उसके बाद आप क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोले। वाल्व को निकाल दिया है और वहाँ का पानी का उपयोग किया जा रहा है और पानी की बर्बादी भी हो रही है और कई तथ्यों से पता चला है कि वहाँ चोरी भी हो रही है। इस संबंध में कई बार हमने संबंधित विभाग के कनीय अभियंता को भी हमने बोला, यहाँ तक कि इससे पहले भी कई बार बैठक हुई प्रखंड स्तरीय, उसमें भी हमने बोला। आज भी इस बात की जानकारी और वीडियो मेरे पास आई कि वहाँ पानी चोरी हो रहा है, उस पानी की बर्बादी हो रही है और उस पानी से गाड़ी भी धुलाई हो जा रही है। अभी इतनी भीषण गर्मी में लोगों को पेयजल का पानी नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद इतना मात्रा में पानी का दुरुपयोग असहनीय है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में अभी हमने कनीय अभियंता को फ़ोन कर मौखिक रूप से आदेश दिया है कि आप वहाँ तत्काल जाएँ और इस तरह के जो पानी का चोरी हो रहा है इसकी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर धनबाद के गोविंदपुर से सहयोगी गोवर्धन जुड़े हुए। जी गोवर्धन, एक और झारखंड के सभी जिलों में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे, वहीं धनबाद में पानी को बेचा जा रहा है, वो भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्या कुछ है पूरा मामला? जी ऐसा है कि स्थानीय सूत्रों के उन लोगों ने जिस प्रकार बताया था, हम लोगों ने जाके देखा तो वास्तविक में कि वो जो फनी मंडल है वहाँ पे अपना धन उगाही के लिए अपना पाइप वाइप लगा के गाड़ी उड़ी सर्विसिंग कर रहे थे। ऊपर से बहुत सारा ये टैंकर उनकर लगा हुआ था जी। और टैंकर उनकर भी भर रहे थे और इस प्रकार का जो बल्ब है ये मैठन से जो आया हुआ है सप्लाई, लगभग 10-12 बल्ब में कुछ न कुछ कारीगरी किया हुआ है जी। और देखा जाए तो स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला कि इसमें पीआईटी विभाग के कुछ अधिकारी भी इस मामले में लिप्त हैं, जिसके आधार बहुत वो लोग काम कर रहे हैं। ये फनी भूषण या फिर फनी मंडल जो भी आपने नाम लिया, ये है कौन या क्या इनकी जो पेयजल स्वच्छता विभाग से इनकी कोई साठ गांठ है? ऐसा कुछ नहीं है, वो स्थानीय है वहाँ का ही जी। तो आपके कहने का मतलब इस ये जो काम चल रहा है इसमें संबंधित विभाग के लोग भी इसमें शामिल हैं? जी स्थानीय सूत्रों के अनुसार तो यही बताया जा रहा है कि विभागीय लोग भी इसमें शामिल है। ऐसे तो कोई दुस्साहस नहीं कर सकते जिस प्रकार वो कर रहे हैं, जबकि ये बच्चों से ये कारोबार वो चला रहे थे उस जगह पे, जबकि किन्हीं पदाधिकारी पीएचडी विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका कोई किन्हीं का भी उस पर नजर नहीं पड़ा। जी गोवर्धन अभी हमने वीडियो की बात सुनी, वीडियो ने कहा कि कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया, तो कनीय अभियंता की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी फिलहाल? जिस समय हम लोगों ने सवाल किया था तो कनीय अभियंता को उन्होंने दूरभाष पे इसके बारे में सूचना दी थी, उन्होंने बताया कि हम इनको देख लेंगे, बाकी तो सरकारी कार्रवाई का अनुरूप है, वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं तो हम नहीं बता सकते हैं जी। जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बसों को पानी से धोया जा रहा है, तो क्या जो ये फनीभूषण जो पानी बेचते हैं पानी वो लाते कहाँ से हैं? पानी वो जो आपका मैथन का सप्लाई है पीएचडी विभाग का जी
और जो बल्ब लगा हुआ है उसी बल्ब में ये खोल के उस पर ये टी टाइप का क्या बोलते हैं पाइप लगा के उससे वो अपना गाड़ी गाड़ी का जो है सर्विसिंग या जो धुलाई है वो करते हैं। प्लस एक नाला बना के नीचे की ओर एक गड्ढा बड़ा गड्ढा नुमा बना के मशीन लगा के आपका टैंकर टैंकर में प्रतिदिन 10-12 टैंकर पानी भर के सप्लाई करते हैं। जी गोवर्धन, हम चाहेंगे कि प्रशासन तत्काल इस मामले पर संज्ञान ले ताकि लोगों को का जो हक है उनको पीने का पानी मिल सके। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन।